दोस्तों अभी मॉनसून जो है वो सीजन शुरू होने वाला है, और मॉनसून के दौरान हम देखेंगे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ट्री प्लांटेशन ड्राइव क्या चलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, अखबारों में उनकी फोटो छपेगी, टीचर्स जो हैं स्कूल में बच्चों को बताएंगे कि बच्चों अपने अपने घर में एक पौधा लगाओ, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। और सब जगह मुझे लगता है कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो लगाए जाए, मगर कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। और जब चर्चा के बारे में हमने पता किया तो हमें पता चला कि ये सच है कि मोदी जी की केंद्र सरकार दिल्ली के बीचों बीच, जिसको ल्यूटेंस दिल्ली भी कहा जाता है, नई दिल्ली का जो इलाका है, सरोजनी नगर, नारोजनी नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नेताजी नगर, ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, इसके अंदर एक रीडेवलपमेंट का प्लान लेके आई है, जिसके अंदर इन कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा और बहुमंजिली इमारतें बनाई जाएंगी। किनके लिए? मंत्रियों के लिए और बड़े बड़े अफसरों के लिए और राजनेताओं के लिए, उनके लिए यहाँ पे फ्लैट बनाए जाएंगे। और इन फ्लैट्स बनाने की खातिर दिल्ली के इस इलाके में 17,000 पेड़ काटे जाएंगे। 17,000 पेड़। जब मैंने पहली बार ये फिगर देखी तो मुझे लगा कि शायद गलती से छपा होगा, 1700 पेड़ होंगे, मगर जब मैंने चेक कराया तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगभग 17,000 पेड़ केंद्र सरकार काटने की तैयारी में है, और उसमें से कई हजार पेड़ काट चुके हैं। ये रीडेवलपमेंट प्लान केंद्र सरकार ने बनाया है, और केंद्र सरकार के काबिल मंत्री हरदीप पुरी वो इसकी वकालत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरदीप पुरी एक रिटायर्ड बाबू हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, और हरदीप पुरी जी ने ही मेट्रो का किराया जब दुगना किया था तो सब लोगों को ये कहा था, हमारे मुख्यमंत्री तक को ये कहा था, नहीं आप नहीं जानते, हमने सारे चीजों के बारे में सोच लिया है। मगर उनके दावों के बावजूद मेट्रो का जो राइडरशिप है वो 5 लाख मेट्रो राइडरशिप गिर गया है, मेट्रो घाटे में चला गया है। उन्हीं हरदीप पुरी जी जो हैं, पुराने बाबू हैं, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के रास्ते से मंत्री बन के आए हैं, अब उनको दिल्ली को बर्बाद करने का उनके पास ये प्लान है कि वो दिल्ली के अंदर 17,000 पेड़ काटेंगे। किदवाई नगर के इलाके में 1123 पेड़ काटे जाएंगे, नेताजी नगर के इलाके में 2294 पेड़ काटे जाएंगे, नरोजी नगर के इलाके में 1454 पेड़ काटे जाएंगे, मोहम्मदपुर के इलाके में 363 पेड़ काटे जाएंगे, और सबसे बड़ा जो बम है ये सरोजिनी नगर के इलाके में, जो हमारे मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वहां गिराने वाले हैं, जहां पे 11,000 पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात ये है कि कोई भी हाउसिंग पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है या कोई भी सरकार बनाती है तो उसके अंदर कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखती है कि आप लाखों लोगों को दिल्ली के उस इलाके में बसाने की बात कर रहे हो जो इलाका ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है। ये इलाका पूरा का पूरा वीआईपी इलाका है, एम्बेसीज हैं, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, सब यहीं पे है, और यहां पे लाखों लोगों को नई तरीके से बसाने की आप बात कर रहे हैं। वहां पे जहां पे इस वक्त पानी की भारी कमी है,
सीवेज जो निकलता है उसकी ट्रीटमेंट की अभी ऑलरेडी परेशानी है। ये लाखों नए लोग यहां पे आके बसेंगे और बड़े बड़े अफसर बसेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी दो दो गाड़ियां हर परिवार की यहां पे आएंगी, वो गाड़ियां इन्हीं रोड्स के ऊपर आएंगी, यहीं के लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग और ज्यादा चोक करेंगे। क्या दिल्ली सरकार से इसके बारे में बात की? क्या जल बोर्ड से बात की कि इतने लाख लीटर पानी जल बोर्ड इनको दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात की गई है कि यहां पे लाखों नई गाड़ियां आ जाएंगी तो उनका ट्रैफिक के कंजेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसके लिए कोई एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया गया है कि लाखों लोगों को आप दिल्ली के दिल में बिल्कुल बीचों बीच वीआईपी एरिया में नई तरीके से आप बसाने की बात कर रहे हैं तो इससे दिल्ली की एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ हुआ है? हमारी जानकारी है कि इस तरीके का या तो कुछ हुआ नहीं है और हुआ भी है तो सिर्फ कागजों पे हुआ है जिसका वास्तु स्थिति से कोई लेना देने नहीं है। हमारे पास दिल्ली से सैकड़ों एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के फोन आ रहे हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली को बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है। हमारा मानना यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सरकार जिसको लोगों से कोई लेना देना ना हो, सिर्फ कोई ऐसा मंत्री हरदीप पुरी जैसा जिसको लोगों की वोट से कोई लेना देना नहीं हो, जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि दिल्ली वालों को इससे फायदा होता है या नुकसान होता है, ऐसा मंत्री जो राज्यसभा के जरिए मंत्री बना हो, जिसने पूरी जिंदगी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के बाबूगिरी की हो, वही इस तरीके के तुगलकी फैसले ले सकता है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली वालों को एक रुपए का भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको केंद्र सरकार अब दिल्ली में लाके बसाना चाहती है उनका फायदा है, या उन मंत्रियों का और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, सांसदों का फायदा है जो दिल्ली में रहते नहीं है, जिनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं पर जाकर गुजरात में होगी या छत्तीसगढ़ में होगी, मगर उनको एक आलीशान फ्लैट यहां पे मुहैया कराने के लिए, जिस फ्लैट में शायद वो साल में 15 दिन भी नहीं रहेंगे, ऐसे सांसदों के लिए, ऐसे बड़े बड़े बाबुओं के लिए दिल्ली के अंदर 17,000 पेड़ों को विनाश करने के लिए केंद्र सरकार अपना ये काम कर रही है। और कल हरदीप पुरी जी ने करीब 8 ट्वीट किए जिसके अंदर उन्होंने इस प्रोजेक्ट की वकालत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीन कवर हम बढ़ा देंगे। ग्रीन कवर का क्या मतलब है? ग्रीन कवर का मतलब यह है कि आप बड़े बड़े पेड़ों को 40-40 साल पुराने नीम और पीपल के पेड़ों को हटा के विदेशी घास लगा दोगे और उसको आप ग्रीन कवर कह दोगे। क्या विदेशी घास और 40 साल पुराना नीम का पेड़, इनके बीच में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? हरदीप पुरी जी दूसरे ट्वीट के अंदर कह रहे हैं हम एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, ये लीगल बाइंडिंग है, ये कानून है कि अगर एक पेड़ कटेगा उसकी जगह 10 पेड़ लगाए जाएंगे, मगर वो जो 10 पौधे आप लगाएंगे वो कहां लगाएंगे? यमुना पे जाके लगाएंगे, साउथ दिल्ली वालों का क्या होगा उससे? और उन जो पौधों को आप लगाएंगे उन पौधों में से कितने पौधे बचेंगे? दिल्ली जैसी हार्श वेदर कंडीशंस के अंदर मुझे नहीं लगता कि 10 में से एक पौधा भी पेड़ बनेगा, और वो पेड़ बनेगा भी तो 40 साल बाद पेड़ बनेगा। आप 17,000 पेड़ आज खराब कर दोगे और कहोगे कि 40 साल बाद क्योंकि वो पेड़ बन जाएंगे इसलिए हम आपके 17,000 पेड़ों का विनाश कर देंगे। ठीक इसी तरीके से मथुरा रोड पे अगर कुछ लोगों का ध्यान गया हो, प्रगति मैदान से लेकर सुंदर नगर तक अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अंदाजा होगा कि धूप ज्यादा लग रही है वहां पे।
क्योंकि वहां पे जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे 40-40 साल पुराने पेड़, वो सारे रातों रात साफ कर दिए गए। सुबह आपको टहनियां भी नहीं दिखी, क्योंकि अगर पेड़ कटे हुए दिखते तो लोगों का ध्यान जाता, रातों रात उन पेड़ों को साफ कर दिया गया ताकि लोगों को पता ही ना चले। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और दिल्ली वालों की पीठ में केंद्र सरकार छुरा घोंपने का काम कर रही है। इस तरीके का बदला कोई भी सरकार अपने लोगों से नहीं लेती जिस तरीके का बदला केंद्र सरकार दिल्ली वालों से ले रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। अगर केंद्र सरकार को अपने मंत्रियों को और सांसदों को बसाना है तो गुड़गांव में बसाएं, नोएडा में बसाएं, द्वारका में बसाएं या रोहिणी में बसाएं। जहां पेड़ है वहां पे आपको मंत्रियों और सांसदों को बसाने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और कहते हैं कि सांसद और जो बाबू होंगे वो बिल्कुल दिल्ली में वहीं रहेंगे। ये तो डिजिटल इंडिया नहीं है। डिजिटल इंडिया में तो कोई आदमी बिहार से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकता है। तो ये आम आदमी पार्टी को कतई मंजूर नहीं है और हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और जो कुछ हो सकेगा दिल्ली वाले लोगों को के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए, हम विकास के खिलाफ नहीं है, आप ये प्रोजेक्ट कीजिए, सही जगह पे कीजिए, जहां पे पेड़ ना कटते हो आप वहां पे ये प्रोजेक्ट कीजिए, अगर यहां पे पेड़ काटना फिर भी बहुत जरूरी है तो आप यहां मत कीजिए, आप कहीं और कीजिए, मगर इस स्थिति के अंदर इस प्रोजेक्ट को करना मतलब दिल्ली का विनाश करना है।